हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास थर्ड के लिए है और सब्जेक्ट है हमारा मैथ। इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की मैथ पढ़ेंगे। सारे बच्चे, क्लास थर्ड के जो जितने बच्चे हैं, सबके पास ये मैथमेट्रिक्स बुक होगी। इसको आप ओपन कर लो। इसका पहला चैप्टर क्या है? फोर डिजिट नंबर्स। इधर देख लीजिए, क्लास थर्ड चैप्टर फर्स्ट, फोर डिजिट नंबर्स। हम फोर डिजिट नंबर्स को पढ़ना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे। अभी तक हम थ्री डिजिट तक के नंबर्स को लिखना पढ़ना हम सीख चुके हैं। अब थर्ड स्टैंडर्ड में हम फोर डिजिट नंबर्स को पढ़ना लिखना सीखेंगे। अभी आप मुझे तुरंत बताओ, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? 25 ना? हाँ, 25 लिखा है। ये कितने डिजिट का नंबर है? ये टू डिजिट का नंबर है। 1 2 टू डिजिट का नंबर है। ओके, और ये क्या लिखा है? ये लिखा है 99। ये भी कितने डिजिट का नंबर है? ये भी टू डिजिट का नंबर है। ठीक है, अगर कहीं मैं लिख दूं, ये क्या लिखा है, आप पढ़ सकते हो इसको? यस, 123। ये 123 है। अभी देखो, जब टू डिजिट का नंबर होता था तब उसमें दो दो पार्ट होते थे, एक ये वन का और ये एक टेन का, वंस या टेंस। ठीक है, ये वंस का पार्ट, ये टेंस का पार्ट। लेकिन अब जब थ्री डिजिट का नंबर हो जाता है तो 100 का पार्ट भी आ जाता है। ठीक है, तो ये वन का पार्ट है, ये टेन का पार्ट है और ये 100 का। ठीक है, तो ये 100 है, 123। इसी तरीके से जब आप नंबर्स को और बढ़ा दो आगे तो फोर डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो 100 के आगे क्या आता है, इसे हम प्लेस वैल्यू चार्ट से समझ सकते हैं। 100 के आगे आता है थाउजेंड। थाउजेंड की हिंदी होती है हज़ार। 100 के आगे हज़ार आता है। ठीक है, तो फोर डिजिट के नंबर्स में थाउजेंड आएगा, हज़ार आएगा, याद रखना। प्लेस वैल्यू चार्ट में सबसे किनारे पे, सबसे राइट साइड पे वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड। अगर कोई फोर डिजिट का नंबर लिखा है, मान लो 4329, ये नंबर है, ये फोर डिजिट का नंबर है ना, तो इसको कैसे पढ़ोगे आप? प्लेस वैल्यू चार्ट में 9 को 1 के नीचे, 10 के नीचे 2 को, और 100 के नीचे 3 को, और 1000 के नीचे 4 को, ऐसे बोल। अब कैसे पढ़ते हो? 4 के बाद 1000 बोलोगे, क्योंकि ये 1000 के नीचे लिखा है ना, 4329। अब यहाँ पे 210 मत बोलने लगना, क्योंकि आप टू नंबर्स को पढ़ना तो अच्छे से जानते हो ना। टू नंबर्स को कैसे पढ़ा जाता है? ऐसे अगर लिखा हो तो इसको 2091 नहीं बोला जाएगा, इसे सीधे 29 बोला जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको क्या बोलोगे? 4329। ओके, ठीक है। अब इसके बाद, हाँ, एक चीज़ और आपको बतानी है। फोर डिजिट का कोई कहे सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? फोर डिजिट का मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर ये होगा, 49। आप लिख दो, ये फोर डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। और कोई कहे फोर डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा, तो आप 1 और 0 का यूज करोगे, 100। ये फोर डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। कहने का मतलब, फोर डिजिट के जितने भी नंबर होंगे वो इस रेंज में होंगे, इनके बीच में होंगे, वो सब 1000 से बड़े होंगे और 9999 से छोटे होंगे। तो ये क्या है? लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर। और ये क्या है? स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। ओके, समझ में आ गया, बस ये बताना था। अब हम सीधे एक्सरसाइज पे आएंगे। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप सबको आ जाएगी। आप पेज नंबर 7 ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज पे आने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं बच्चों। ऐसे कहीं लिखा है, ये फोर डिजिट का कोई नंबर है ना, फोर डिजिट का, 1 2 3 4, फोर डिजिट है ना इसमें, तो फोर डिजिट का कोई नंबर है। अगर हमें इसको एक्सपेंड करके लिखना हो तो कैसे करेंगे? इसको एक्सपेंड करके लिखना हो, इसको एक्सपेंड करने का मतलब प्रसार करना होता है। एक्सपेंड करने के टाइम पे क्या करेंगे, ये 4000 की जगह पे, हम जानते हैं ना ये 1 का प्लेस है और ये 10 का प्लेस है, ये 100 का प्लेस है और ये 1000 का प्लेस है। तो एक्सपेंड करने पर 4 लिखो, और 4 चूँकि 1000 के प्लेस पे था तो 4000 लिख देंगे। कहने का मतलब, 4 की प्लेस वैल्यू लिख देंगे, 4 की प्लेस वैल्यू इस नंबर पे, 4 की प्लेस वैल्यू 4000 है ना, ऐसे 4 लिखेंगे, फिर 3 जीरो लगा देंगे।
फिर प्लस का साइन लगाओगे, फिर थ्री का प्लेस वैल्यू लिखोगे। थ्री का प्लेस वैल्यू क्या होगा, थ्री यहाँ पे है, बाकी दो पे ऐसे जीरो लगा दो क्योंकि 300 पे है ना, तो थ्री का प्लेस वैल्यू 300 हो जाएगा। प्लस का साइन लगाओ तो 10 की जगह पे है तो 2 के जगह 2 के आगे एक जीरो लगा देंगे, ऐसे 20 बन जाएगा। ये 10 की जगह पे था ना ये 2, ये देखो आगे एक जीरो लगा दोगे प्लस 9। क्या 9 के आगे भी कोई डिजिट लिखा है, नहीं, तो क्या यहाँ पे कोई जीरो आएगा, नहीं आएगा। अब ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, हम किसी 4 डिजिट के नंबर को ऐसे एक्सपेंड करके लिख सकते हो। आप देखो आप इन चारों को ऐड करोगे ना तो आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। अब हम सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे और सवाल लिख देंगे। रुकिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला नहीं फर्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। राइट द नंबर्स फॉर्म्ड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर देखो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ लिखा है, नंबर्स लिखे हैं, इनसे कौन सा नंबर फॉर्म होगा ये हमको बताना है। यहाँ पे बॉक्सेस बनाए गए हैं, बहुत सिंपल है, बॉक्सेस बनाने से सिंपल हो गया है। ये 1 का बॉक्स है, ये 10 का बॉक्स है, ये 100 का बॉक्स है और ये 1000 का बॉक्स है। तो इन बॉक्स में भरना बड़ा आसान है। देखो यहाँ पे क्या है, 3000 है ना, ये देखो 1, 10, 100, 1000। तो 3 को कहाँ लिख दोगे, 1000 में। अभी आप 0 को मत देखो, 3 को 1000 पे लिख दो बस। अभी 100 पे क्या है, 200 लिखा है ना, तो 100 पे 2 लिख दोगे। 10 में क्या है, 110, ठीक है 10 है तो 1 लिख दोगे। ये 0 नहीं लिखना आगे के, और यहाँ पर 1 की जगह पे 1 ही है तो 1 लिख दोगे, ठीक है, ऐसे 1 लिख देंगे। अब बी पार्ट में देखो, 1000 की जगह पे क्या है, 4 है, 4000 है ना ये, तो 1000 के बॉक्स पे 4 लिख दोगे। ये 100 है तो 100 के बॉक्स में 1 लिख दोगे। और क्या 10 वाला पोर्शन नहीं है ना, 10 नहीं है तो 10 की जगह पे 0 लिख दोगे। जहाँ ना हो कुछ वहाँ 0 लिख दिया जाता है, फिर 1 का पार्ट है, 1 के पार्ट में 2 को लिख दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पर 1000 है तो 1000 में 1 लिख दोगे, 400 है तो 100 में 4 लिख दोगे, और क्या 10 वाला इसमें है, इसमें 10 वाला नहीं है तो 0 लिख दोगे, और 1 में 3 है, 3 लिख दोगे। फिर डी पार्ट में 1000 की जगह पे 1 है, 1000, और क्या 100 है, नहीं 100 नहीं है तो 0 लिख दोगे, 10 है, हाँ 10 है तो 3 लिख दोगे, और फिर क्या 1 का पार्ट है, नहीं, तो 1 का पार्ट नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। बड़ा सिंपल है, इसमें आप क्या करोगे, 3000 है तो 1000 की जगह पे 1000 के बॉक्स पे 3 लिख दोगे, और बाकी 100 नहीं है 0 लिख दोगे, 10 नहीं है 0 लिख दोगे, और 1 में 2 लिख दोगे। ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया, ऐसे आपको बॉक्सेस को भर लेना है, कोई दिक्कत, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे थे, अब इनसे हमको नंबर बना लेना है, सिंपल है। 3000 था तो 1000 वाले बॉक्स में 3 लिख दोगे, 200 था तो 100 वाले बॉक्स में 2 लिख दोगे, ये 10 में 1 ही 10 है ना, 20 वगैरह होता तो 210 बोलते, तो यहाँ पे 1 लिख दोगे, और यहाँ पर 1 की जगह पे 1 है तो 1 लिख दोगे। नेक्स्ट में ये 4000 है तो 1000 की जगह 4 लिख दिया, 100 है तो 100 की बॉक्स में 1 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या 10 वाला पार्ट है क्या, नहीं 10 वाला पार्ट नहीं था तो 10 वाले बॉक्स में 0 लिख दिया, और 1 वाला पार्ट 2 है तो 1 वाले बॉक्स में 2 लिख दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है फिल इन द नंबर्स इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर नंबर्स को करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, बाकी कुछ नंबर्स, 2 नंबर्स दिए हैं और बाकी खाली जगह पड़ी है, उस खाली जगह को हमको भरना है। देखो यहाँ पे क्या है, 1428, इसके बाद अगला नंबर क्या आएगा, फिर अगला, फिर देखो अगला, ये क्या लिखा है, 1431, तो इसका मतलब यहाँ पर इसके 28 के बाद क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा ना, तो क्या लिख देंगे, 1429। फिर अगला क्या आएगा, 1430। अब देखो ये मैच हो गया ना, इसके बाद नेक्स्ट 31 आएगा, ये मैचिंग हो गया, इसके बाद क्या आएगा, 1432, फिर हाँ 1433, फिर 1434, ये हमारा फिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े सिंपल है, आप सबको आ जाएंगे। ये क्या है, 2431, इसके बाद क्या आएगा, 2432 आएगा, फिर 2433 आएगा, फिर 2434 आएगा। अब देखो इधर 2435 आना चाहिए, ये पहले से लिखा है, इसका मतलब हमारा ये सारा कुछ सही है। फिर 2436 आ जाएगा, फिर 2437 आ जाएगा। नेक्स्ट सी पार्ट, 7044, यहाँ पे 100 का पोर्शन नहीं है याद रखना,
तो इसको क्या पढ़ेंगे, 7044, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 7045, फिर 7046। अब देखो ये पहले से क्वेश्चन में ही लिखा है 7047, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 7048, फिर 7049, फिर 7050। ठीक है, ये हमने तीनों पार्ट्स के भर लिए हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, डी पार्ट और ई पार्ट, इसको खुद से करना है, बड़ा सिंपल है, ऐसे ही कर लेना है, और इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।